स्वीट पोटैटो एंड लोबिया कबाब। इसके लिए मैंने स्वीट पोटैटो लिया है, ये देखिए, और ये लोबिया है यानी चवाली, जिसे हम पकाएंगे कुकर में। ये देखिए, मैंने कुकर में थोड़ा पानी डाल के उसमें डाला है सभी इंग्रेडिएंट्स, और बाद में इसे मैंने 3 सीटियाँ दी है। ये अच्छी तरह से पक गया है, देखिए 3 सीटियों में अच्छे से पक जाता है। ये सब हम यूज़ करेंगे। अब हम इंग्रेडिएंट देखेंगे। कोरिएंडर पाउडर है, चिली पाउडर, ये लेमन लिया है, ओनियन है, ग्रीन चिली, अदरक है, कोरिएंडर, और मैगी क्रंच लिया है मैंने। एक पतीले में मैंने ये सब, ये देखिए, ये स्वीट पोटैटो, उसकी साल निकाली है साइड में। अभी हम इसमें लोबिया जो हमने पका कर लिया था वो इसमें डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब हम ये सब मिक्स करेंगे। ऐसे एक जीव होना चाहिए, एकदम स्मैश करना है हमें इसे। हम इसमें अब, ये देखिए, ऐसे सब एक जैसा होना चाहिए। मैं अब ओनियन डालूंगी उसमें। मैंने ये 2 ओनियन कट करके लिए हैं। बाद में मैं ग्रीन चिली डालूंगी। मैंने 1 चिली कट करके ली है। ये अदरक है, 1 इंच लिया है, जिस एकदम छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट किया है। ये ब्लैक पेपर पाउडर है, टर्मरिक है, रेड चिली पाउडर और नमक है। हम स्वाद अनुसार नमक को यूज़ करने वाले हैं। अभी ढेर सारा कोरिएंडर पाउडर डालेंगे। मैगी को मैंने कूटा है और बाद में लिया है, ये देखिए, और बाद में मैं कोरिएंडर डालूँगी। कोरिएंडर पाउडर का स्वाद इसमें ज़्यादा लगना चाहिए, तभी टेस्ट सब आएगी। बाद में हम लेमन इस पर डालकर ऐसे कबाब बनाएंगे और फ्राई करेंगे ऑयल में। हमारे ये कबाब अच्छी तरह से फ्राई होने चाहिए। ये देखिए, मैं 2-2 कबाब को ही फ्राई करने वाली हूँ। पहले ऐसे ऊपर से हमें उस पर ऑयल डालना है, गर्म हुआ है जो, पलटी मार के अच्छे से फ्राई करने चाहिए ताकि टेस्ट भी अच्छी आ जाए। ऐसी अच्छी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, हमारे कबाब रेडी हो गए हैं फ्राई करके। अब हम इसे एक छलनी में निकालेंगे ताकि उसका ऑयल पूरी तरह से नीचे निकल के जाए। अभी हम नेक्स्ट यही प्रोसेस से दूसरे वाले कबाब भी इसमें फ्राई करने वाले हैं। ये देखिए, अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है। ये देखिए, मैंने अभी कबाब डाले हैं इसमें, और सेम प्रोसेस से हम ये भी फ्राई करके ले लेंगे ऑयल ऊपर से डालकर। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हमारे ये भी कबाब फ्राई करके लेंगे हम सेम प्रोसेस से। हमारे ये कबाब अभी तैयार हो गए हैं स्पाइसी चटनी के साथ, टोमेटो चटनी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप भी ट्राई कीजिए और बताइए कैसे।